दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 20 मार्च 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज के हैं 9:16 और मैं पहुंच गया हूँ मधुविहार की रेड लाइट पे। और दोस्तों आज जैसे कि आप जानते हो, आज हो गया सडनली मौसम खराब और बारिश हो गई है बहुत ही तेज यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में। और दिल्ली में कई इलाकों में बारिश बहुत तेज हुई। मैं पहले ईस्ट पटेल नगर था, उस साइड नहीं हुई, फिर वाइफ ने बताया कि एकदम से मतलब द्वारका साइड में बारिश बहुत तेज हो गई। तो मैं भी जब मेरे को पटेल नगर से मिल गई थी वसंत गुंज की ट्रिप, तो वसंत गुंज ड्रॉप किया तब धोला गुंज की तरफ आया था, तब जाके मेरे को मतलब एकदम से तेज आंधी चलने लगी और फिर उसके बाद तेज मतलब फिर बारिश होने लगी। और जब बारिश होती है तो दोस्तों आपको पता ही है क्या होता है, बस रोडों पे ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है, गाड़ियां ख़राब होने लगती है। तो अभी मैं पालम के जाम से निकल के आ रहा हूँ, कम से कम 50 मिनट का जाम था पालम पे। पालम पे फ्लाईओवर तक मतलब फ्लाईओवर चढ़ाऊँ ना, चढ़ने के बाद ही 3 गाड़ियां ख़राब हुई है, एक टैक्सी HR नंबर, एक प्राइवेट नंबर I-20 और एक बस। बस तो आपकी पालम का जो महावीर इनक्लेव के लिए उतरते हैं हम, वहाँ पर ख़राब मिली है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ना ही कोई ट्रैफिक वाला, ना कुछ कोई भी बंदा नहीं है, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करने के। और बड़ा लंबा जाम देखने को मिला। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 7 बजे करीब निकल गया था मैं, बट 7 बजे निकल के भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है, मतलब मेरा क्या है कि सैटरडे को अकाउंट माइनस में हो गया था 5,000 रुपये ऊबर का। तो उसको मैंने पेमेंट भरी, तो पेमेंट मैंने जैसे कि बताया था ब्लॉक में, मेरे पेमेंट डिडक्ट हो गई थी क्रेडिट कार्ड से, बट फेल्ड हो गई थी। तो आज वो रिवर्स आ गई थी, आज मैंने दोबारा अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड से किया, तो वही सेम इशू हो गया, दूसरे क्रेडिट कार्ड से भी डेबिट हो गई 5,000 रुपये और वो वापस अब कल तक आएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने पेमेंट कर दिए किसी तरह UPI के थ्रू करी मैंने, तो उसके बाद दिन में खरीदी थी पेमेंट। और अभी मेरी पेमेंट अटकी हुई है 5,000 की पेमेंट, ये लगा लो अभी क्रेडिट कार्ड में वापस रिवर्स आएगी तो उसको लेनी है। तो बट उससे पहले क्या है कि राइड बिल्कुल नहीं दे रहा था ये, क्योंकि जब तक कैश ट्रिप इसने डिसेबल कर दी थी। तो आज मैंने ओला ही चलाई, ओला में थोड़ा सा काम किया, बाकी थोड़ा सा काम इसमें ऊबर में किया है। तो आज मैं मॉर्निंग में निकला था 7 बजे और पहली ट्रिप मेरे पास मतलब ऐसी देख रहा था ओला में, मतलब बैलेंस अपना वैसे ट्रिप एक्सेप्ट हो गई, ट्रिप थी रोहिणी साइड की, तो मैंने कहा यार अब एक्सेप्ट कर ली है तो भैया करनी पड़ेगी, अब ओला में कैंसिल करने का, तो कैंसिल करूँगा तो फिर ओला भी अकाउंट बंद करेगा। तो इसलिए मैंने फटाफट रोहिणी की ट्रिप ली द्वारका सेक्टर 14 से और फिर रोहिणी गया। रोहिणी के बाद मेरे पास आ गई थी चाणक्यपुरी की ओला में ट्रिप, तो ऑनलाइन पेमेंट की ट्रिप्स आ रही थी दोनों, जो चाणक्यपुरी छोड़ी वो भी ऑनलाइन, जो रोहिणी छोड़ी वो भी ऑनलाइन। तो दोनों ट्रिप्स की ऑनलाइन और माइनस में थे तकरीबन 1,100 रुपये, तो 500 कुछ रुपये वो ठीक हुए, फिर उसमें अभी 600 कुछ रुपये बचे हुए हैं। तो मतलब दो ट्रिप आपकी मैंने ओला की ऑनलाइन ली थी, दो वैसी कैश में आ गई थी मेरे पास। तो कैश वाली में तो पैसे आ ही जाते हैं, बट क्या है कि अकाउंट माने अब क्या है कि ऊबर के भरोसे रहा नहीं, मैं सोच रहा था यार जल्दी से मतलब वो पेमेंट रिवर्स है, तो फिर रिवर्स आई नहीं पेमेंट, फिर मैंने मजबूरी में फिर दोबारा ट्राई किया। मैंने कहा यार अब काम तो करना है, देखो जो काम करना चाहता है और उसके हाथ काट दो आप, कैश ट्रिप डिसेबल कर दो सडनली, अब पैसे हैं बंदे के पास नहीं है, फिर भी ये कंपनियां नहीं मानती। तो मैंने क्या है कि जमा किए फिर दोबारा से 5,000 रुपये पूरे सबमिट करके कैश ट्रिप, आज से स्टार्ट हुई है मेरी। तो अभी तो आज काम कोई खास हुआ नहीं है दोस्तों, ऐसी है, दो तीन ट्रिपें करी हैं। तो और क्या है कि अभी एक चीज़ और हो रही है मेरे साथ, अभी ये हो रहा है कि ऊबर की जो भी ट्रिप्स मैं ले रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है कि ये TDS एक टैक्स अलग से काट रहा है फेयर एडजस्टमेंट के नाम पे। तो यहाँ पर आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देख लीजिए फेयर एडजस्टमेंट के नाम से ये फ़ैन बंद कर देता हूँ, ये फ़ैन मैंने लगा दिया है जो डबल वाला, उसको रख दिया है क्योंकि इसी की बहुत बढ़िया स्पीड आ रही थी। तो अभी मैंने चलाया बहुत मस्त, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो इसलिए डबल वाले को साइड में कर दिया मैंने, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी फिट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया था फेयर एडजस्टमेंट के नाम पे हर ट्रिप में
टैक्स के नाम पे ये काट रहा है, और मुझे लग रहा है जब तक ये मार्च का महीना चलता रहेगा तब तक मेरा टैक्स कटता रहेगा हर ट्रिप पे। तो वैसे मैंने अपने जो अकाउंटेंट है, जो सीए है, उससे बात करी थी, और उसने बोला कि अप्रैल के मतलब मिड में फॉर्म निकलेंगी क्लेम की, तो आपका जब उस टाइम आप भर देना तो मतलब मैं बता दूंगा कॉल करके, तो उस टाइम क्या है कि फिर क्लेम के लिए अप्लाई कर दूंगा, तो 5,000 ये रिफंड आ जाएंगे। 5,000 क्या मतलब जो भी सीए की फीस होगी वो भी देनी पड़ेगी, मतलब वही कट कुट आगे मतलब वही 3,350 रुपए हाथ में आएंगे अपने। तो कोई नहीं, जितने आते हैं दोस्तों, आप 5,000 कटे उसको रिफंड लेना है तो आपको देखो सीए का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो सीए से मैंने पता किया था, तो उसने बताया, अब मेरे को ये बात भी पूछनी पड़ेगी सीए से कि भाई ये जो हर ट्रिप पे काट रहा है पैसा, तो वो भी मेरे को मिलेगा, नहीं तो फिर ऊबर को मैंने बेकार में पैसा भरा, फिर इसी महीने मतलब चलाता ही नहीं, ओला ही चला लेता, वो बेस्ट है। तो दोस्तों आप भी बताना, आपके भी किसी भाई के 5,000 कटे हो और ऐसे हर ट्रिप पे पैसे और टैक्स के नाम पे कटे, चाहे ओला में, क्योंकि ओला में मेरे को ध्यान है एक ड्राइवर है मेरे को बता रहा था उसके मतलब वैसे भी कटे पैसे और उसके बाद हर ट्रिप पे ओला काट रहा था। तो जिस भी भाई का ऐसे काट रहा है तो मुझे एक बार कमेंट्स करके बताना दोस्तों, और आप लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाला वो भी कमेंट्स करके बताना कि मतलब क्या है। तो दोस्तों आज खैर ये तो लगा रहता है, आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में और ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों जिससे काफ़ी ड्राइवर भाई परेशान हो रहे हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं आप भी जान सकते हो, रीज़न क्या है। अभी स्टिल क्या है कि सभी ड्राइवर भाई की भाइयों की परेशानी यही है कि ओला उबर ने रेट कर दिए ख़राब और रेट कर दिए कम। अब समर का टाइम है, एसी चलना स्टार्ट हो गया गाड़ियों में, उस दौरान कर दिए रेट कम। अब आप देख सकते हो कि जो किलोमीटर जो हमें कोविड से पहले मिला करते थे 10 रुपए किलोमीटर, वही रेट अप कर दिए हैं, और जो रेट इन्होंने बढ़ाए थे कि हमें 10 किलोमीटर पे 150 रुपए मिलते थे, 20 किलोमीटर पे 250-280 ऐसे मिलते थे, तो वो अप कर दिए देना बंद, और सिमिलर 9 रुपए किलोमीटर तकरीबन रेट इनका आ गया है। तो दोस्तों किसी भाई ने ये जानने की कोशिश की है कि ओला उबर ने ऐसा क्यों किया और ऐसी करने की क्या मजबूरी है कि रेट कम करके वो मतलब पैसेंजर को लुभा रहा है अपने रेट दिखा के। तो देखिए इसका रीज़न तो हम लोग खुद ही दे सकते हैं, और इसके जो जिम्मेदार हैं वो भी हम ही लोग हैं। हम ही में से कुछ ड्राइवर पार्टनर्स हैं जिन्होंने ये ओला उबर को करने को मजबूर किया है। क्यों मजबूर किया है वो आप भी जान सकते हो। रीज़न क्या है, इनड्राइव ऐप। तो मेन रीज़न है इनड्राइव ऐप, जो कि काफ़ी भाइयों ने रेट ख़राब करने के लिए चलाई उसको। चलाने के बाद अब रेट जब पूरे मार्केट में ख़राब हो चुका है, अब राइडर को भी चस्का लग गया है इनड्राइव का। और अब क्या है कि ये कंपनियां कंपटीशन में है दोस्तों। ओला उबर का कस्टमर अगर इधर उधर जा रहा है तो उसको लगेगा भाई मेरा कस्टमर इधर क्यों जा रहा है, इनड्राइव में रेट कम दे रहा है, ठीक है मैं भी 10% 20% रिड्यूस कर देता हूँ, भुगतेगा कौन, ड्राइवर ने रेट खराब किए हैं तो ड्राइवर के। तो अभी पूरी चीज घूम फिर के क्या हो रहा है, हम लोग जो मतलब नहीं भी चलाते थे इन ड्राइवर उनके ऊपर भी आ रहा है। तो कहते हैं ना तालाब में एक मछली गंदी होगी तो सभी को गंदा माना जाता है, तो वही चीज होगी। कुछ ड्राइवर भाइयों ने रेट खराब करने के लिए इन ड्राइव चलाई, देखो चलाई मैंने भी है बट मैंने आपको हर इन ड्राइव की राइड दिखाई है कि मैंने कितने कैलकुलेट अच्छे रेट पे जो बुकिंग मिली है वही ट्रिप्स करी है, खराब रेट की बुकिंग्स मैंने नहीं करी। बट खराब रेट की बुकिंग काफी ड्राइवर भाइयों ने करी, ऐसे करी कि जिनको मतलब मिल ही नहीं रहा यार काम। तो मैं कई बार बोलता था भाई अगर रेट अगर आप चला भी रहे हो तो रेट अच्छे खासे रेट में लो जो ओला उबर से ऊपर रेट में हो। अब क्या है कि रेट पूरे के पूरे खराब हो गए हैं, तो जिसका रीजन सभी मतलब ड्राइवर भाइयों को अभी भुगतना पड़ रहा है। ओला उबर ने अपना वो तो अपने कस्टमर को वापस लाना चाह रहा है, बट अभी क्या है कि हालत तो हम लोगों की खराब हो रही है। 30-35% 40% तक का कमीशन दो इन कंपनियों को, ठीक है उस पर एसी भी चलाओ। अब मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था मैंने कि मैं चिराग दिल्ली के फ्लाईओवर साइड से फंसा था, 2 घंटे में द्वारका छोड़ा था, परसों की वीडियो है दोस्तों। तो उस वीडियो में ये लगा लीजिए मैंने बताया था कि बंदे का 455 रुपये बना था, ठीक है 27 किलोमीटर में, और 455 के बाद उस बंदे ने क्या किया कि उसी ट्रिप में फेयर एडजस्टमेंट कर दिया, कंप्लेंट करी
318 रुपए दोस्तों 318 रुपए एक घंटा 50 मिनट में ट्रिप को ड्रॉप किया है, साथ में एसी चला है। अब आप बता दो 318 में मैंने कितना कमा लिया? जीरो, बिल्कुल शून्य कमाया है। और ऐसे ऐसे राइडर मिलते हैं कि मतलब उनका फेयर बढ़ जाता है तो वो तो कंप्लेंट करके अपना निकल लेते हैं, ड्राइवर को मतलब ड्राइवर की हो जाती है हर तरफ से। तो अभी क्या है कि हर तरफ से ड्राइवर को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और देखिए रेट कम होने का तो मैं रीज़न आपको बता ही दिया है कि मेन रीज़न यही था, इन ड्राइव के रेट जो ख़राब हुए हैं, इन ड्राइव ने करे हैं। और करने का रीज़न हमारे जैसे भाई हैं जिन्होंने करवाए हैं, नहीं चलाते, बायकॉट करते तो अच्छा रहता, बट क्या कह सकते हैं आप, किसी को कितना ही समझा लो बट समझ से बाहर होते हैं। तो अब परिणाम आपके सामने है, जैसे कि मैंने बोला ही था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इन ड्राइव ऐप ऐसी ऐप है 6 महीने तक आपको फ्री का दाना डालेगी। ओला ऊबर ने इंसेंटिव के नाम पे दाना डाला था, इनके पास इंसेंटिव नहीं था तो इन्होंने फ्री मतलब रेट ऐसा कर दिया है कि मतलब आपके कमीशन लेना बंद कर दी थी। और मैंने बोला ही था 6 महीने के बाद ये 10% करी है, अभी 15 भी करेगी, 20 भी करेगी, फिर बराबर ओला ऊबर के रेट इन कंपनियों का आने वाला है। तो सॉल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मत चलाओ। मैंने जब से इसने कमीशन का चार्ज का बताया तब से मैंने इन ड्राइव चलाने ही छोड़ दी, बिल्कुल मैं रेट देखते ही नहीं उसकी तरफ। तो अभी तो फिलहाल परेशान हूँ, ऊबर से ही है, ऊबर का टैक्स वगैरह कट रहा है इस वजह से। तो ये दोस्तों आज का अपडेट था, और काफ़ी भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि रेट क्यों कम दे रहा है, तो आज मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है डीएनए करके कि इस वजह से ये चीज़ मतलब रेट कम मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की अर्निंग मैं नहीं दिखाऊंगा, कोई खास ज़्यादा हुई नहीं है, बस ये समझ लो कि बस जितनी मैंने करी थी सब माइनस में था, अकाउंट वो हो गया, तो आज की अर्निंग है जीरो, क्योंकि माइनस में था 200-400 रुपए जो आए उसमें सीएनजी डल गई। तो आज कोई सीएनजी का कुछ नहीं बताया, कोई खर्चा नहीं, आज बस एक फ्री में घूमने के लिए निकल गया था, अब जा रहा हूँ घर। तो आज का कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, अब ऊपर का देखना पड़ेगा क्या सिस्टम है क्या नहीं है, और पैसे काट रहा है इस वजह से और दिक्कत हो रही है, या तो ओला ही चला। ओला में प्रॉपर बुकिंग्स तो आती है बट क्या है कि थोड़ी सी लोकेशन की इशू रहता है जिसकी वजह से मैं प्रेफर नहीं करता। तो चलिए दोस्तों अब देखो काम करना है तो करना ही पड़ेगा, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुँचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला ऊबर में कितना काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या अपडेट है ओला ऊबर के रिगार्डिंग, और कैसे काम करते हैं नए ड्राइवर, कैसे पुरानी गाड़ी लेके चलाने में फ़ायदा है, नई गाड़ी लेके, सारी की सारी वीडियो डाली हुई है, कीवर्ड सर्च करिए आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी, या आप मेरे वीडियो वाले सेक्शन में जाइए वहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वीडियो। तो चलिए दोस्तों अब बारिश का टाइम ऐसा है कि पूरा हर जगह बारिश की पानी भरा हुआ है जगह जगह, तो मैं कर लेता हूँ इस ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट इनिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और सेफ ड्राइव करिएगा, जो नाइट में भाई चला रहे हैं या अभी नाइट में घर पहुंचने वाले हैं, तो ट्रैफिक बहुत लग रहा है दोस्तों, तो अपना संभल के आना ठीक। चलिए।